आज आप यहाँ पर आए थे क्या करना? मैं गृह सचिव की हैसियत से मैं आज ये रिव्यू करने आया था। मैडम एडीजी जो है अंजु गुप्ता जी जो है, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटी के साथ इंटीग्रेट होना है, सेफ सिटी यानी महिलाओं के लिए बच्चों के लिए पूरा प्रदेश सेफ हो, उसकी जो भारत सरकार की योजना है उसके इम्प्लीमेंटेशन के रिव्यू के लिए आया था। मुझे खुशी है कि हम लोग बहुत तेज़ी से ये जो कार्य है जो भारत सरकार से स्वीकृत हुआ है निर्भया फंड से, उसके लिए लखनऊ के प्रोजेक्ट को हमारी कोशिश है कि नवंबर दिसंबर तक इसमें सब्सटेंशियल प्रोग्रेस आए और अगले 6 महीने में इस प्रोजेक्ट को मार्च तक हम इम्प्लीमेंट कर दें। सेफ सिटी के प्रोजेक्ट के लिए हम लोग अन्य शहरों का जो मेजर शहर है, गोरखपुर है, वाराणसी है, नोएडा है, आगरा है, मेरठ है, प्रयागराज है, इनके लिए भी हम इस प्रस्ताव को आगे ले जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लखनऊ के प्रोजेक्ट को आगे ले जाएं। आज उसका रिव्यू मैडम के साथ हुआ है, PHQ में DGP साहब से भी रिक्वेस्ट की है, उन्होंने भी बहुत तेज़ी से कार्य करने के लिए निर्देश सबको दिए हैं, पूरी टीम को इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आज ये बैठक की गई। हमें खुशी है कि अब हम तेज़ी से इसमें काम करेंगे और सेफ सिटी के अंतर्गत महिलाओं के लिए जो है जो व्यवस्था की जा रही है उसको हम अच्छा से इंश्योर करेंगे। दूसरा 1090 का भी मैंने रिव्यू किया है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अनावश्यक कॉल करते रहते हैं और उसमें महिलाएं लड़कियां भी जो है परेशान होती हैं। उसमें हमने ये ज़रूर एक निर्देश दिया है कि जो लड़कों में सुधार नहीं हो रहा है, उनको काउंसलिंग करने के बाद एक बार दो बार फिर भी अपने फ़ोन पर जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे लड़कों पर कानूनी कार्रवाई बहुत सख्ती से की जाए जिससे कि हम व्यवस्था बना सकें।